बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में मुंबई पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है। जिस पिस्टल से बाबा सिद्दीकी को गोली मारी गई, पुलिस ने उसे बरामद कर लिया है। मौकाए वारदात से दो शूटर्स पकड़े गए थे। पुलिस ने उनके पास से एक देसी पिस्टल और एक विदेशी पिस्टल बरामद की है। जो दूसरी पिस्टल है वो यूरोपियन मेड ग्लॉक पिस्टल है। देसी पिस्टल तो आप समझते होंगे, आपको बताते हैं ये ग्लॉक पिस्टल क्या है जो यूरोप से बना। ऑस्ट्रिया की एक हथियार निर्माता कंपनी ग्लॉक हथियार बनाती है। ऑस्ट्रिया के ही एक इंजीनियर थे जिनका नाम गेस्टन ग्लॉक था। इन्होंने ये हथियार बनाया, लिहाजा इनके नाम पर ही पिस्टल का नाम ग्लॉक रखा गया। हथियार बनाने वाली कंपनी वर्तमान में भारत, अमेरिका, इंग्लैंड और फ्रांस सहित 70 से अधिक देशों में सेना, पुलिस और विशेष बलों के लिए ग्लॉक हथियार बनाती है। कंपनी आम नागरिकों को भी ये हथियार उपलब्ध कराती है, लेकिन इसके लिए लाइसेंस जरूरी होता है। ये हथियार दिखने में बहुत अलग तरह के नहीं होते, नॉर्मल ही है, लेकिन कई मामलों में ये खास होते हैं। इसे अन्य हथियारों की तरह तैयार नहीं किया जाता, बल्कि इसे तैयार करने में पॉलीमर का इस्तेमाल किया जाता है और यही वजह है कि यह वजन में ये हथियार काफ़ी हल्का होता है। दुनिया के सबसे फेमस पिस्टल्स की बात करें तो ग्लॉक 17 पिस्टल बहुत ही खास होती है। ये हथियार बनाया क्यों गया, इसके पीछे की कहानी भी दिलचस्प है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो चुका था। इस युद्ध के बाद से हर देश को एहसास हुआ कि वो कई मायनों में पीछे चल रहे हैं और उन्हें जल्द से जल्द अपने हथियारों को अपग्रेड करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जंग के दौरान बहुत सारे देशों के बड़े से बड़े हथियार बेकार पड़ गए थे। ऑस्ट्रिया की सेना के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। ऑस्ट्रिया भी एक बढ़िया पिस्टल की खोज में था। इस बीच गेस्टन ग्लॉक नाम के ऑस्ट्रियाई इंजीनियर को सेना के लिए एक अच्छी पिस्टल बनाने का ख्याल आया। गेस्टन ग्लॉक वैसे तो हथियार नहीं बनाते थे, लेकिन वो हथियारों का बिजनेस शुरू करना चाहते थे। ग्लॉक ने कुछ हथियारों के एक्सपर्ट को इकट्ठा किया और उनसे कहा कि वो एक ऐसी पिस्टल बनाना चाहते हैं जो हर जगह इस्तेमाल की जा सके। चूंकि उन्हें पॉलीमर पर बहुत ज़्यादा नॉलेज थी इसके बारे में, तो उन्होंने तय कर रखा था कि वो पॉलीमर से ही अपनी बंदूक बनाएंगे। उनका ये फैसला आगे चलकर निर्णायक साबित हुआ। साल था 1979, जब महज 3 महीनों के अंदर ही उनकी टीम ने 9mm वाली ग्लॉक पिस्टल तैयार भी कर दी। इसके बाद इसकी टेस्टिंग की गई तो खुशी का ठिकाना नहीं था। टीम को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उन्होंने कितनी शानदार पिस्टल बना दी है। कुछ ही महीनों में ग्लॉक 17 पिस्टल सबकी पसंद बन गई। ग्लॉक 17 पिस्टल की कुछ और खूबियों के बारे में बात करें तो ये बहुत ही भरोसेमंद हथियार है। वहीं सुविधा की बात करें तो ये इसमें 9mm की कोई भी गोलियां लग सकती हैं। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो गोली किस बंदूक के लिए बनाई गई है। गोली अगर 9mm की है तो ग्लॉक 17 उसे बड़े ही आराम से ठाए ठाए कर सकती है। इसकी गोलियां ढूंढने में बहुत ज़्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती है, यह बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में इसी पिस्टल का इस्तेमाल हुआ। इस हथियार को अपने पास रखने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, तो सवाल भी यही है कि हथियार आरोपियों के पास आया कैसे, मुहैया किसने कराया। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय बताइए और देखते रहिए ABP लाइव।